Next is find the square root of 66049. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही एज इट इज जो हमारा प्रोसीजर है, पेयरिंग करेंगे यूनिट प्लेस से. ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये सिंगल रह गया, कोई बात नहीं. अब जब ये सिंगल रह गया तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी, तो ऑब्वियस है वो टू होगा क्योंकि टू टू जो होता है फोर, और अगर हम थ्री ले लेते तो वो नाइन आ जाता जो अगेन सिक्स से ग्रेटर होता. ये माइनस हो गया, टू हमने यहाँ लिया तो वी नीड टू एड टू हेयर, तो ये नंबर बन गया हमारा फोर. ठीक है, एक पेयर कॉपी होगा. एक पेयर के बाद अगर रिक्वायरमेंट है दूसरे की तो हमें यहाँ जीरो पुट करना होगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, बट यहाँ पर नहीं है बिकॉज इट इज 260. अब हम यहाँ पर ऐसा नंबर सोचेंगे जो यहाँ भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने से या तो हमें 260 मिल जाए या उससे थोड़ा कम. लेट से आपने कहा मैम हम 1 लेते हैं, तो 41 वन जा 41, 42 टू जा 84, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देखते जाइए, 43 थ्री जा 44 फोर जा जो भी है, तो क्या आएगा ये 45 फाइव जा कितना हुआ 225, और 45 सिक्स जा जो है वो उसने 260 से बढ़ा रहा है. लाइक हमने 5 लिया तो 45 फाइव जा क्या आया 225. तो आप ये कह सकते हैं मैम कि हम 6 भी तो ले सकते थे, तो हम दोनों लेके देखते हैं जिससे हमें पता चल जाए. जब हमने 5 लिया तो 45 फाइव जा हुआ 225. अब हम 6 लेंगे, 46 इंटू 6, 6 सिक्स जा 36, 6 फोर जा 24 एंड 3 276 हो जाए. अगर हम यहाँ 6 जा लेते तो यहाँ आ जाता 276 जो इससे बड़ा होता, एंड द रूल ऑफ डिविजन इज कि आइदर यू नीड टू गेट 260 और उससे लेसर, तो इसलिए हमने 5 जा लिया. 5 यहाँ लिया तो हमें 5 ऐड भी करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. हमने यहाँ ऐड कर दिया, ये बन गया 50. इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 35. अब हम ये वाला पेयर कॉपी करेंगे जो हमारा प्रोसीजर है 49. सिंगल पेयर कॉपी करने से हमारा काम चल गया, 3549 ये नंबर बन गया. अब यहाँ पर हमें अगेन ऐसा नंबर चूज करना है जो हमें यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है. 50 लेट से आपने 1 लिया तो 501 वन जा 501, 2 लिया 2 यहाँ लिया तो 502 टू जा जो भी 1004 आएगा, 503 लिया यहाँ भी 3 लिया, तो ऐसे आप चेक करते जाएंगे तो 7 लेने से 507 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देख लेते हम. 507 मल्टीप्लाई बाय 7, 77 जा 49, 7004 हो गया, 75 जा 45, 75 जा 35, बाय मिस्टेक आई हैव सेड 45, तो 3549. 7 से डिवाइड करने से हमारा जो है वो रिमाइंडर आ गया, और आपको यहाँ 7 ऐड करना होता है, तो आप यहाँ आंसर फाइनली छोड़ेंगे. सो दिस इज योर लॉन्ग डिविजन मेथड. मैंने 3-4 सम लिए जिसमें आपको स्टेप्स क्लियर करने की कोशिश करी, उनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए. मैं और सारे सम लूंगी जिससे आपकी इनकी प्रैक्टिस हो जाए. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेयर बनाना होगा. पेयर बनाने के बाद जो भी नंबर आप यहाँ लेंगे वही नंबर आपको यहाँ लेना, ये याद रखना बहुत जरूरी. मतलब हम यहाँ 2 3 6 नहीं कर सकते, 3 2 6 नहीं कर सकते. 3 लिया है तो यहाँ 3 लीजिए, यहाँ 2 लिया है तो यहाँ 2 लीजिए, 1 लिया है तो 1 लीजिए, और जो लिया है उसको इमीजिएटली ऐड करना है. ये अगर आप भूल गए तो आपका क्वेश्चन जो है आगे पूरा गलत हो जाएगा. आपने ऐड कर दिया, नंबर आपका 4 बन गया. ये प्लेस पे जो नंबर लेंगे वो आपको यहाँ लेना है, अगेन वही, फिर जो भी बचा फिर उसे ऐड भी करना है, ये याद रखना है. लाइक हमने यहाँ 5 लिया है, यहाँ 5 लिया है तो 5 ऐड होगा. तो लॉन्ग डिविजन मेथड जो होती है बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर रूट निकालने के बहुत ज्यादा काम में आती है. ठीक है, सो अनदर एग्जाम्पल इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16384. 16384 हम इसको थोड़ा स्क्वायर रूट निकालना है हमें इसका 16384. हम दो दो क्वेश्चन एट टाइम सॉल्व करेंगे. पेयरिंग कर ली एज पर रूल, सिंगल बचाइए इसे ऐसे ही छोड़ दिया. अब हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हम यहाँ भी लिखें यहाँ भी, तो 1 1 जा 1 राइट, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0.
जब भी हमने जो नंबर यहाँ लिया वो यहाँ ऐड होगा, ये आपको याद रखना है. सो नाउ इट इज 2. ठीक है, पेयर कॉपी होगा, पेयर की पेयर कॉपी हुआ, 63 हो गया. अब हम यहाँ ऐसा नंबर चूज करेंगे जो यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी, लाइक कि हमने 2 लिखा तो 22 टू ज़ा हो जाएगा 44. 23 ट्राई करेंगे, 23 थ्री ज़ा 69 हो जाएगा. तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि हमें छोटा लेना होता है. 22 टू ज़ा 44, 2 हमने ऐड किया तो ये बन गया हमारा 24. अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, 63 में से 44 गया, तो कितना हमारे पास रिमाइंडर बचा, 9. हमने पेयर कॉपी किया, 84, राइट. अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हमें यहाँ भी लेना है और यहाँ भी लेना है. लाइक आपने 242 ले लिया, 2 लिया, तो यहाँ भी क्या लेंगे आप, 2 लेंगे. तो 242 टू सा करेंगे बट वो छोटा आएगा. तो ऐसा नंबर चूज करना है कि जो 1984 लेके आए. तो हम अगर 8 लेंगे तो देखिए 248 एट ज़ा होता है 1984 एंड योर रिमाइंडर इज 0. सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 128. ठीक है, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल साथ में लेंगे. 712 89 पेयरिंग कर लिया आपने. ठीक है, ना 7 लाना है. अगर हम 3 लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा, 2 लेना होगा. 2 2 4, सब्ट्रैक्ट किया, 3 बचा. वही 2 हमें यहाँ ऐड करना ज़रूरी है तो हमने ऐड कर दिया. ठीक है, अब हमने एक पेयर कॉपी किया, सो नाउ इट इज़ 312. यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करेंगे जो हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे. लेट से हमने 6 से दिया, 46 सिक्सा जो होता है हमारा 276. अगर हम 7 लेते तो 47 सेवनजा जो है वो 312 से बड़ा आ जाता. एंड एज पर डिविजिबिलिटी रूल हमें ये लाना होगा या इससे कम. ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया, 6 लिया. इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हुआ 36. अभी एक पेयर और बचा है, हमने उसे कॉपी कर लिया, 89. सिक्सा से दिया तो हमें इमीजिएटली यहाँ 6 प्लस करना ज़रूरी है. सो नाउ इट इज़ 52. फिर यहाँ पर कोई नंबर लेंगे, जो यहाँ लेंगे वही यहाँ लेना है. 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा ऐसे हम करके देखेंगे. हमें 9 लाना है तो हमने 7 लिया, 7 यहाँ भी लिया. सो 527 7 ज़ा 3 6 8 9. आप मल्टीप्लाई करके देखिए, मेरे पास तो रिजल्ट है तो मैंने यूज़ कर लिया. तो हमने यहाँ क्या लिया, 7 लिया. और फाइनली यहाँ 7 प्लस हो जाएगा, 7 7 14 3. ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो 712 89 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आया, 267. इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. अब दोनों आपके लिए इजी है बिकॉज आई हैव टेकन 5 6 एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो अब आप इसको प्रैक्टिस करिए. अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे. अनदर इज व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 to get a perfect square. Also find the square root of this perfect square. Also find the square root of this perfect. नंबर जो हमें दिया है 7250, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. पेयरिंग होने से यहाँ दोनों पेयरिंग हो गई. 72 हमें लेके आना है. ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों में मल्टीप्लाई करने से 72 बन जाए. लाइक 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64 एंड 9 9 ज़ा 81.
लेट से आई एम टेकिंग 9, तो 9 9 जा क्या हो जाएगा 81, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो मैं बड़ा नहीं लूंगी, बिकॉज डिविजिबल में हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में छोटा लेते हैं, तो हम 8 8 जा 64, ठीक है, 8 लिया तो हमें 8 यहाँ ऐड भी करना होगा, तो ये हो गया 16. 72 में से 64 जब माइनस हुए तो रिमाइंडर हुआ 8. अब हमने 50 कॉपी कर लिया, पूरा पेयर कॉपी होगा. यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करना है जो यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे. तो हमने फाइजा लिया, मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, बट आप मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, ठीक है. 165 फाइजा होता है आपका 825. सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बचा 25. अब ये आगे सॉल्व होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा नंबर यहाँ आ चुका है और यहाँ पे ये छोटा है, तो डिवाइड तो अब आगे नहीं होगा. सो रिमाइंडर बचा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था क्या? नहीं. स्क्वायर रूट इसका निकल सकता है? नहीं. स्क्वायर रूट की क्या पहचान होती है? कि हम जब लॉन्ग डिविजन मेथड या जो भी मेथड करें, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. या प्राइम फैक्टराइजेशन से करें तो पेयर बनना जरूरी है, तभी हम दो का एक करते हैं. दोनों केस आपको क्लियर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है. मींस इसमें ये एक्स्ट्रा है, 25 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है एज ए रिमाइंडर. यानी 25 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, 7250 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नंबर आएगा 7225, एक्चुअली दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि अब ये 25 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है. मींस जो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए था उसकी जगह 25 आया है. 25 एक्स्ट्रा था तो हमने वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है निकाल दिया. सो नाउ आवर क्वेश्चन इज 7225. अब उन्होंने कहा था कि जो भी आए आपका उसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वही 8 8 जा 64. 72 में से 64 सब्ट्रैक्ट हुए और यहाँ पे ये ऐड जो 8 है वो ऐड हो गया. 25 आपका कॉपी हुआ और आपने 5 से दिया, तो 165 5 8 25. हमने वेरीफाई भी कर लिया, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 85. बट इसका स्क्वायर रूट था क्या? नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. इस तरीके के लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है, इतने इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ठीक है. अनदर नाइस क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सम है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन इज 8281, राइट. इन द गार्डन द नंबर ऑफ रोज एंड number of rows are same, the number of trees in each row. Find the number of rows in the garden. हम सबसे पहले एक शॉर्ट में गार्डन बना लेते हैं. दिस इज गार्डन, इसमें जितनी रो है, लेट्स से इसमें 4 रो है, तो हर रो में 4 ट्री हैं. ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है. अगर 4 रो है तो 4 4 ट्री इन ईच रो. अगर लेट्स से 10 रोज है तो 10 10 ट्रीज इन ईच रो. तो लेट्स से एक्स रोज है, लेट द नंबर ऑफ रोज आर एक्स. ये तो हमने ऐसे ले ली. 4 5 है तो हर रो में 5 प्लांट्स हैं. 6 रो है तो हर रो में 6 ट्रीज हैं, प्लांट्स जो भी है. 7 है तो 7 है. मींस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ट्रीज आर इक्वल. तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ रो ले ली एक्स. सिमिलरली द नंबर ऑफ ट्रीज
इन ईच रो, अगेन एक्स, क्योंकि जितनी रो है उतने ही ट्री हैं। तो फाइनली आपका क्या फॉर्मूला बना, टोटल ट्री कितने हो गए, हम पहले छोटे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। मैंने आपको बताया 4 रो है और हर रो में 4 ट्री हैं, तो इसे तो हम काउंट भी कर सकते हैं, कितने ट्री हो गए 16। 5 रो है, 5 ट्री है हर रो में, तो 25 हो गए। तो हमने क्या किया, 5 × 5 किया। 7 रोज है, हर रो में 7 ट्री हैं, तो 49 हो जाएंगे, 7 × 7। सिमिलरली एक्स रोज है और एक्स ही नंबर ऑफ ट्रीज है, तो क्या रिजल्ट होगा, नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू x × x। तो हमारा फॉर्मूला बन गया x × x, x × x इज इक्वल टू x². दिस x² इज इक्वल टू 8281, बिकॉज दे हैव गिवन द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन इज 8281। अब हमें क्या निकालना है, x, क्योंकि हम x² तो फाइंड नहीं करेंगे। स्क्वायर जब राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, स्क्वायर का इनवर्स होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर जब इस साइड शिफ्ट होगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसा ना लिखते हुए ऐसा लिखेंगे, ठीक है। जैसे प्लस का इनवर्स एप्लीकेशन माइनस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है एंड स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। सो x² इज इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू दिस मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और यू कैन यूज लॉन्ग डिविजन मेथड। आई हैव 82, तो मैं 9 से लूंगी, 9 × 9 = 81, 1 रिमाइंडर बचा, 9 यहाँ तुरंत हमें ऐड करना होगा एज पर रूल, तो ये 18 हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे, तो 181 × 1 = 181, तो बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ गया 91। मींस 91 है आपका इसका स्क्वायर रूट, यानी 91 रोज थी, ऐसे पूरी अगर रोज हम बनाए तो 91 थी, एंड हर ईच एंड एवरी रो में 91 ट्रीज लगे हुए थे, बिकॉज द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज है। तो 91 आपके ट्री हो गए, 91 आपकी रो हो गई, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो विल गेट 8281 ट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट एकदम न्यू और इंटरेस्टिंग है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम करते हैं। लाइक दिस इज माय क्लास, मेरी क्लास में 10 बेंचेस लगी हैं और हर बेंच पे लाइक 2 बच्चे हैं, हर बेंच पे 2 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट हो जाएंगे। लेट से हर जितनी बेंचेस हैं और उतनी ही रोज हैं, मेरे पास 10 बेंचेस हैं फर्स्ट में, सेकंड में भी 10 बेंचेस हैं, थर्ड में भी 10 है, ऐसे करते करते मेरे पास 10 रोज हैं, तो 100 स्टूडेंट हो जाएंगे। मतलब जैसे हम करते हैं प्रैक्टिकली वैसा ही हमें यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिए।